class 7th of Praxis Vidyapeeth Rudhauli Basti. Today is my topic electric circuit and its component. आज हम आप लोगों को बताएंगे कि electric circuit को हम कैसे frame करते हैं. यहाँ पे साइड मैंने कुछ चीजें ड्रा की हैं जिसके हेल्प से हम electric circuit को frame कर सकते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये हमारा resistance है, इसका unit ohm है. जैसे कि आप resistance, हम समझेंगे ये resistance क्या होता है. resistance की means प्रतिरोध. जैसे आपको इसके मीनिंग से पता चल रहा है कि प्रतिरोध, जैसे किसी चीज को रोकना, तो जो रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है. सो ये हमारा रेजिस्टेंस का सिंबल है और ये हमारा ओम का सिंबल है. एंड सेकंड वन इज की हमारा की दो मोड में होते हैं, एक ऑन और एक ऑफ. तो ये हमारे जो दोनों पॉइंट्स अगर कनेक्टेड है तो की हमारा ऑन मोड में है. थर्ड वन इज ये ऑफ मोड में, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स नहीं कनेक्टेड है तो ये हमारा ऑफ मोड में है. एंड फोर्थ ये हमारा सेल है. ये लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव टर्मिनल और ये शॉर्टर लाइन मींस नेगेटिव टर्मिनल. पॉजिटिव मींस एनोड और नेगेटिव मींस कैथोड. बैटरी, व्हेन टू और मोर सेल कंबाइंस टुगेदर इज कॉल्ड बैटरी. अगर एक से ज्यादा, दो से ज्यादा या एक से ज्यादा सेल एक साथ कंबाइंड होंगे तो हम उसे बैटरी कहेंगे. फिफ्थ बल्ब, बल्ब को हम एम कर्व शेप से शो करते हैं. ये हमारा बल्ब का सिंबल है. सिक्स कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर को हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. अमीटर, अमीटर क्या होता है? अमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं. ये हमारा मीटर का सिंबल है. वोल्ट मीटर, ये हमारा वोल्ट मीटर का सिंबल है जिसको हम वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं. अब मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम के बारे में बताती हूँ. ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम है, आप देख सकते हैं. ये हमारा सेल है, ये हमारा शॉर्टर लाइन निगेटिव टर्मिनल और लॉन्गर लाइन पॉजिटिव टर्मिनल मीन्स एनोड मीन्स कैथोड. और ये हमारा कनेक्टिंग वायर का सिंबल है और ये हमारा स्विच ऑफ है क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स नहीं कनेक्टेड हैं. ये हमारा बल्ब का सिंबल है और हम इसको ओपन सर्किट के कैटेगरी में रखेंगे. मान लिया अगर ये जो दोनों पॉइंट्स हमें सर्किट क्लोज सर्किट करना है तो हम ये दोनों पॉइंट्स कनेक्ट कर देंगे तो हमारा ये स्विच ऑन पोजीशन में हो जाएगा और क्लोज सर्किट हो जाएगा. इलेक्ट्रिक करंट मूव करना स्टार्ट कर देगा और इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक होता हुआ आएगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेल. थैंक यू.